गुड इवनिंग दोस्तों, आज अनकट वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने कोरोना वैक्सीन ली है, कोविशील्ड, तो अनकट वीडियो रहेगी। फटाफट आपको बता देती हूँ आज का एक्सपीरियंस। इस वक्त टाइम है 11:21, 11:21 हो रहे हैं, 24 मई है आज, और सोमवार है 24 मई 2021। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके सामने मेरा आज का अनुभव। मैंने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है, तो सोचा आपको भी इससे अवगत करा दूं अपने अनुभव से। तो स्टार्ट करते हैं। कल ही हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया था, क्योंकि आज मेरे को वैक्सीन लेनी थी, तो कल रजिस्ट्रेशन करा दिया। 11 बजे का टाइम था। फटाफट सुबह, जैसे नॉर्मली मैं उठती हूँ, फटाफट घर का काम किया, क्योंकि मेड तो आ नहीं रही है लॉकडाउन की वजह से। वैसे भी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है कोरोना का, तो मैं रिस्क लेना चाहती, क्योंकि वो स्लम एरिया से आती है, इसलिए। तो सारा घर की साफ सफाई, बर्तन, ये बाकी सब काम तो मैं खुद ही करती थी। खाना वाना बनाना सब काम किया, फटाफट सबको ब्रेकफास्ट कराया, मैंने भी खूब अच्छी तरह से किया, और फिर हम निकल लिए 11:15 के करीब घर से। पंजाबी बाग में मेरा सेंटर था, मतलब जहाँ पर मेरे को वैक्सीन लगनी थी। चलिए, तो आज इसमें एक मिथ का भी वो कर देती हूँ मैं। एक व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा था कि यदि पीरियड्स के दौरान आपको ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो आपको ये मैं बता दूँ, कल जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, तब तो मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को आज हो जाएंगे। लेकिन मैं बताऊँ, 9:45 के करीब जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, उस वक्त मेरे को हो गया। तो अब कैंसिल भी नहीं करा सकता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे को पास का सेंटर मिला था, नहीं तो काफ़ी दूर दूर साउथ दिल्ली वगैरह के मिल रहे थे, काफ़ी दूर पड़ रहे थे वे। तो मैंने सोचा चलो करा लेते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं होती वैक्सीन लेने से। तो फर्स्ट डे था मेरा पीरियड का भी, तभी हुए 9:45 के करीब, और 10:45 के करीब ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से करके हम निकल लिए। ठीक है, हम पहुंच गए वहाँ पर, कोई नहीं था वहाँ पर, खाली पड़ा हुआ था, स्कूल में था। तो हमने रजिस्ट्रेशन था, तो आधार कार्ड उन्होंने मांगा, आधार कार्ड हमने उनको दे दिया। उसके बाद सामने थोड़ी दूरी पर टेबल पर जो वैक्सीन लगाती थी, वे डॉक्टर थी, कौन थी, डॉक्टर ही होंगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है? मैंने एलर्जी है, या कोई मेडिसिन ले रहे हो, या कोई चल रही है किसी, कोई मतलब आपको तकलीफ है इस तरह की कि जिसके आपकी मेडिसिन चल रही हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मैंने जो मेरे को जवाब देना था, मेरे को कोई एलर्जी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ मैं, कोई मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छी तरह से खाना नाश्ता कर कर आए हो? मैंने कहा हाँ, मैं नाश्ता अच्छी तरह से ही करती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक आपको अल्कोहल, नॉन वेज नहीं लेना है। मैंने कहा ठीक है। वैसे मैंने मन में सोचा मैं वेजिटेरियन हूँ, अल्कोहल तो हाई सोसाइटी की चीज़ होती है, मिडिल क्लास की नहीं। तो उन्होंने बस ये पूछा, और फिर बोले कि आराम से बैठ जाओ, और इसमें कोई मतलब आपको फीवर होएगा, मतलब काफ़ी हो सकता है हाई फीवर, बॉडी एक, मतलब शरीर में दर्द, सिर में दर्द हो, मतलब हो सकता है, तो आप पैरासीटामोल ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने चीज़ें मेरे से पूछी और मेरे को बताई, और काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि कोई था ही नहीं शायद, इसलिए काफ़ी मतलब उन्होंने बात करी, और फिर मेरे को वैक्सीन लगा दिया। और वैक्सीन लगाने से पहले उन्होंने बता दिया कि हम आपको कोविशील्ड लगा रहे हैं, पहली डोज है ये आपकी, और 3 महीने बाद आपको सेकेंड डोज लगनी है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने लगा कर, उन्होंने आधे घंटे के लिए मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए बैठा दिया कूलर के सामने, थोड़ी दूरी पर। वहाँ पर काफ़ी चेयर्स लगी थी जो सब खाली थी, कोई था ही नहीं। तो जब मैं बैठी थी ऑब्जर्वेशन के लिए, तब एक कपल और आए थे लगवाने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरे को ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि हमने कोविशील्ड लगवाई है। इस पर मेरा नाम, मेरी एज,
मेरा जेंडर, आधार कार्ड नंबर और ये सब चीज़ें लिखी है। कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड लगाई है, 24 मई 2021 है, बैच नंबर वगैरह। और नेक्स्ट जो ड्यू डेट है वो भी इन्होंने बता दी मेरे को, अब इस वक्त लगनी है तुम्हारी दूसरी। मैंने कहा जी ठीक है। आधे घंटे बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं इस तरह का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने आधे घंटे बाद फिर मेरे को जाने के लिए बोल दिया। घर पर आ गए हम, तो आकर भाई नहाते धोते तो हैं ही ओबियसली, नहीं तो सबसे पहले मैंने हैंड वॉश किया, उसके बाद नहाए धोए क्योंकि कपड़े वगैरह सब चेंज करने होते हैं। बाहर से आए हैं, चप्पलें वगैरह हम बाहर ही निकाल देते हैं, बाहर की जो होती हैं। और फिर नहाने धोने के बाद, कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैंने नारियल पानी पिया, क्योंकि पानी काफ़ी इसमें पीना सही बताते हैं। मैंने नारियल पानी पिया, उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई। फिर 2 बजे के करीब, क्योंकि हम 12:15 बजे तक घर आ गए थे, तो 2 बजे के करीब फिर मैंने लंच बना के दिया, बच्चों को भी दिया, मैंने भी खाया। और उसके बाद 4 बजे करीब मेरे को कमर में दर्द शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि शायद अब बुखार होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मतलब मेरे को यदि दिक्कत होती तो कमर पर ही आती है सबसे पहले। जैसे कमर में दर्द शुरू हो गया, मेरे से उठाने गया बेड पे, मैंने कहा ओहो यानी क्या बुखार मेरे को या तो हो चुका मतलब हो गया है या होने वाला, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने फटाफट सबको फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए, अपने आप भी खा लिए, चाय बने रख दी, बच्चों को दूध के लिए दूध रख दिया आटा भी गूंथ दिया जल्दी से, मतलब रसोई का सारा काम मैंने फटाफट निपटा दिया। उसके बाद जब चाय पीने बैठी मैं, तो उससे पहले मैंने सोचा बुखार नाप लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा था काफ़ी मेरे शरीर में बिल्कुल भी वो नहीं है। बुखार नापा, 99 बुखार था। मैंने क्रोसिन ले ली, वैसे तो थोड़ा 99 से ऊपर हो तब क्रोसिन वगैरह लेनी चाहिए, लेकिन मैंने 99 पर ही ले ली, क्योंकि मेरे कमर में दर्द था, मेरे से उठाने जा रहा था। तो मैंने चाय से क्रोसिन ले ली और उसके बाद मैं लेट गई, क्योंकि रसोई का मैंने सारा काम मोस्टली निपटा चुकी थी, बर्तन वर्तन सबको दे चुकी थी, दूध वूध सब। तो 7-8 बजे के करीब फिर मैंने सबको खाना वाना डिनर दे दिया। अब उसके बाद फिर मैं भी खाकर और बर्तन वर्तन करके रसोई का पूरा काम करके मैं फिर लेट गई। ठीक है, अपने मोबाइल में लगी रही लिटी लिटी, मैं उसमें देखती रही। अब इस वक्त बज रहे हैं 11:28 हो रहे हैं, तो 11:28 हो रहे हैं, तो मैंने 11:20 पर अपना फीवर दोबारा से नापा, तो अभी तक तो मेरे को फीवर नहीं आया है, क्योंकि मैंने 5 बजे के करीब मैंने क्रोसिन ले ली थी, तो अभी तक तो फीवर नहीं आया है। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, अपनी फर्स्ट डे का जो अनुभव है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो अब बस मैं वीडियो ख़त्म करने के बाद, इसको पोस्ट करने के बाद मैं सो जाऊंगी। फिर कल मॉर्निंग में, यानी कि कल मेरा सेकंड डे है, तो उसके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हमारी मेड नहीं आ रही, तो भाई पैसे तो उसको ज़रूरत है, तो मैंने मना कर दिया था कि भाई मत आओ अभी, पैसे आप ले जाना, क्योंकि उसके हस्बैंड वगैरह भी नहीं, बच्चे बच्चे हैं तो लेना आती। मैंने उससे पूछा भाई मैं वैक्सीन लगवा ली है, तो वो बोली हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के से वो हो जाती है, इसलिए हम नहीं लगवा रहे। तो बोली कब से आ जाऊँ मैं काम पे? मैं कहा अभी रुक जाओ, अभी मत आओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 14 अप्रैल को लगवाई थी वैक्सीन, और उसके बाद से उनको काफ़ी फीवर होना शुरू हो गया था। तो 20 अप्रैल को मतलब 19 अप्रैल को वे टेस्ट करा कराए थे, क्योंकि उतना नहीं था फीवर, 5 दिन हो गए थे, तो 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वह। तो उसके बाद फिर जो जो हुआ, कैसे मैंने उनकी मतलब रिकवरिंग, उनको रिकवर करने में मैंने कैसे हेल्प करी, घर पर ही हमने उनका इलाज मतलब करा था, सब कुछ मतलब मैंने ही किया था, तो उसके लिए अलग वीडियो है, वो आप देख लेना। तो अब वे कोरोना मुक्त हैं, तो जब वे अब कोरोना मुक्त हैं, तो फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं भी वैक्सीन लगवा लेती हूँ, क्योंकि अभी ठीक हो गए। मैंने उसमें अप्रैल में इसलिए नहीं लगवाई थी, क्योंकि उस वक्त नवरात्रे चल रहे थे, तो उन्होंने नवरात्रों में लगवा ली थी। मैं कहा नहीं मेरे व्रत चल रहे हैं, बाय द वे बुखार वगैरह हो जाएगा तो व्रत रखने में दिक्कत हो जाएगी, मैं कहा मैं बाद में लगवाऊंगी। तो उन्होंने लगवा ली, उसके बाद वे 4-5 दिन तक जब हाई फीवर रहा, तो उसके बाद टेस्ट कराया, पॉजिटिव निकल गए, तो अभी ठीक है, 24 में है। तो आज मैं अपनी फर्स्ट डोज लगवाए हैं कोविशील्ड के।
तो उसमें मतलब डॉक्टर ने बोला है कि हेड एक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, फीवर हो सकता है, पैरासीटामोल ले लेना। तो मैंने क्रोसिन ले ली है, अभी तक तो हुआ था, खैर 5 बजे के करीब 4 बजे मुझे एहसास हुआ था, अभी तक तो वैसे चढ़ा नहीं है मेरे को। अभी मैंने नापा था तो 98.4 था। तो अभी मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं सो जाऊंगी, कल मॉर्निंग में देखते हैं कि कितना फीवर आता है, बॉडी एक कितना। हाँ मेरे को थोड़ा बॉडी एक फील हो रहा है कमर में, पर क्रोसिन लेने के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मतलब इतना है कि मुझे मतलब इतना थोड़ा कम है, क्योंकि 4 बजे के करीब काफ़ी था मेरे, उठाने जा रहा था मेरे से, लेकिन अब क्रोसिन लेने के बाद थोड़ा कम है मेरा बॉडी एक भी। और जो मेरा कमर में तो ज़्यादा दर्द होता है तो वो भी थोड़ा कम है। तो आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि मेरी फर्स्ट डे का मेरा अनुभव कैसा रहा वैक्सीन का। तो कोविशील्ड लगी है, बस यही उन्होंने सब कुछ मेरे से पूछा था और यही जानकारी उन्होंने मुझे दी थी कि वैसे अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, काफ़ी आराम से उन्होंने मेरे को वैक्सीन लगाई है। तो इस तरह के जो मिथ्स हैं कि पीरियड में नहीं लगाने चाहिए, तो आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं पीरियड में ही लगवा कर आई हूँ, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती थी पास का रजिस्ट्रेशन, को काफ़ी दूर हो रहा था। सेकेंड ये है कि मेरे हस्बैंड को हुआ था तो एक कोरोना मुक्त है, तो इसलिए मैं लगवा कर आ गई हूँ। अब मुझे भी ये डर लग रहा है कि पता नहीं कहीं वो ना हो जाए, चलो देखते हैं कल पता चलेगा। वो तो आज तो 99 ही था, कल देखते हैं कल कितना होता है, या ठीक हो जाते हैं कुछ नहीं पता, वो तो कल ही मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। खैर ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है इसको रखना है, 3 महीने बाद मेरे को लगनी है सेकेंड डोज। तो कोविशील्ड थी, ये मेरे आज का पहले दिन का अनुभव है। होप आपको इससे कुछ मतलब मदद मिली होगी, जैसे लोगों के मन में भ्रम है इस तरह का कोई भ्रम मत पालिए, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाइए, मास्क हमेशा लगाए रखें, जब घर से बाहर आप निकल रहे हो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, यदि आप बाहर हैं घर में तो हाथों को साबुन से धोते रहिएगा, और थोड़ा दूर रहिएगा 2 गज का, मतलब घर में भी यदि आप रहें तो चिपक के बैठेगा, थोड़ा दूर दूर रहिएगा। जैसे आज मैं अब वैक्सीन लगवा के मेरे को फीवर है तो मैं मास्क लगा के घर में घूमूंगी, मैं बिना मास्क के नहीं घूमूंगी। इस वक्त जो मैं बैठी हूँ, मैं अपने रूम में बैठी हूँ, इसलिए मैंने मास्क उतार रखा, कोई मेरे रूम में नहीं आ रहा है आज। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सेकेंड डे कैसा था। टिल देन बाय।